महानगर पालिका द्वारा चलाया जा रहा नया अभियान, अगर आपने कोरोना का टीका नहीं लिया है तो ऑटो रिक्शा में नहीं मिलेगा प्रवेश। देखते हैं और क्या क्या प्रावधान है इस अभियान में। चंद्रपुर जिले में भले ही कोरोना का संक्रमण पहले की अपेक्षा कम होता दिखाई दे रहा है, मगर उसके बावजूद प्रशासन ने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए अनेक तरह के प्रभावशाली कदम उठाए हैं, जिसमें मुख्यतः कोरोना के टीकाकरण को लेकर है। और ऐसे में आरोग्य की दृष्टि से अगर कोई व्यक्ति कोरोना का टीका नहीं लगाया है तो उसे ऑटो में प्रवेश नहीं, ऐसा निर्णय मनपा ने लिया है। और इसी के संदर्भ में मनपा ने ऑटो चालक मालक संगठन के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक ली। चंद्रपुर शहर में कोरोना टीकाकरण के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया गया है, जिसमें मनपा के अधिकारी साथ अन्य अधिकारी तथा ऑटो चालक के पदाधिकारियों की उपस्थिति थी। साथ ही इस मौके पर मनपा की ओर से एक मुहिम चलाई गई, जिसमें मनपा की टीम ने शहर में ऑटो रिक्शा चालकों की जांच कर उनके ऑटो रिक्शा पर स्टिकर लगाया, और जिन ऑटो रिक्शा चालकों ने कोरोना के टीके लगाए थे उस पर इस ऑटो रिक्शा चालक ने कोरोना का टीका लगाया है ऐसा स्टिकर लगाया। और साथ ही जिन ऑटो रिक्शा चालकों ने कोरोना का टीका नहीं लिया है ऐसे ऑटो रिक्शा पर कोरोना का टीका न लगाने का लाल स्टिकर लगाया गया। वही इस संबंध में मनपा के स्वच्छता निरीक्षक गोठे ने मीडिया को विस्तारपूर्वक जानकारी दी। मैं भूपेश गोठे, मुख्य स्वच्छता निरीक्षक महानगर पालिका चंद्रपूर। मला ऑफिसमधन निर्देश देण्यात आले की चंद्रपूर शहरातील ऑटो दुकानदार यांनी लसीकरण घेतले किंवा कसे याबाबतची पूर्ण माहिती घेऊन लसीकरण नसेल झाल्यास त्यांना लसीकरणाला पाठवण्यास सूचना दिलेली आहे। त्याचप्रमाणे सोबत स्टिकरसुद्धा दिलेले आहे, ज्या ॲटोवाल्यांनी लसीकरण केले असेल त्यांना हिरवा स्टिकर लावायचा, ज्यांनी लसीकरण केले नसेल त्यांना लाल स्टिकर लावायचा, तसेच दुकानदारांनासुद्धा त्याच प्रकारची कारवाई करायची आहे। याप्रमाणे ॲटो चालक यांनी 98 ॲटोची तपासणी करण्यात आली, त्यापैकी 90 लोकांनी पहिला दुसरा असे डोस घेतलेले आहे, परंतु 8 ॲटो चालकांनी लसीकरण घेतलेच नव्हते, त्यांना लसीकरण घेण्याच्या सूचना दिलेल्या आहे व त्यांच्या ऑटोला लाल स्टिकर लावण्यात आलेले आहे। धन्यवाद।